हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू किंदर ब्लॉग्स। आज फ्रेंड्स, हर हर गंगे मैं आई हूँ आज हरिद्वार में। जैसे कि आज सावन का अमावस्या है, तो इस दिन श्रद्धालुओं की बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है। देखिए आप ही, इतनी भीड़ है। ये सुबह का टाइम है, लगभग 5 बजे का। हम नहा चुके हैं, मैं आपको रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई दिखाने के लिए। ये देखिए, तब मैं बाद में रिकॉर्ड कर रही हूँ। ये देखिए, पानी बहुत कम छोड़ रखा है उधर, क्योंकि मुझे तो डर था, क्योंकि इतना पानी, बारिश हो रही है, शायद पानी बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन हर की पौड़ी पे ना पानी बहुत कम छोड़ रखा है उन्होंने, भी घुटनों घुटनों से भी नीचे पानी था। ये देखिए, लोग बीच में खड़े हैं, ये पूरे गंगा, ये हर की पौड़ी पे। तो पानी भी मटमैला होता है, जैसे मिट्टी वाला पानी होता है, पंजाबी में बोलते हैं गंदली गंगा। भी पानी का जो सा, ऊपर से बारिश होने के कारण पहाड़ों से मिट्टी वाला ही पानी आ रहा था, भी मिट्टी बहुत ज़्यादा थी। अब की बार इस दिन नहाना कहते बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। साल की सबसे बड़ी अमावस्या होती है, सोमवार जो पड़ती है, एक सावन का महीना, ऊपर से सोमवार के दिन अमावस्या पड़े तो बहुत शुभ मानी जाती है। तो इस दिन पाठ पूजा व्रत जो आप करना चाहो, जितनी आपकी श्रद्धा है, दान पुण्य करना, नहाना, जो जो विधान बता रखे हैं शास्त्रों में हमारे हिंदू धर्म के मुताबिक, वो सब करना चाहिए। कहते हैं आज के दिन पितरों के लिए दान पुण्य करना चाहिए, जो भी कुछ करते हैं। फ्रेंड्स, हम नहाने के बाद, अब मैं फिर से ये देखिए आपको दिखा रही हूँ एक बार फिर से, भीड़ देखिए आप, दूर दूर तक है भीड़, बहुत भीड़ थी सुबह के टाइम में। ये फ्रेंड बहुत ज़्यादा, अभी 5:30 बजे का ही टाइम है, तभी सुबह 4 बजे हम आए तो देखा तो इतनी ही ज़्यादा भीड़ थी सुबह 4 बजे भी। और पानी देखिए कम है, बहुत ज़्यादा श्रद्धालु बहुत अपनी भक्ति में है लीन। अभी भी कई कांवड़ देखे मैंने जो से जल भर रहे थे। ये देखिए, बिल्कुल बीचों बीच है गंगा मैया के, नहीं तो डर लगता है, पानी में खड़ा नहीं हो जाता जब बहाव तेज होता है। लेकिन इस बार गवर्नमेंट ने पानी बहुत कम छोड़ रखा था, क्योंकि कांवड़ी आते हैं, कुछ लोग जब तैरते हैं तो फिर कुछ डूब जाते, जिनको तैरना नहीं आता, मुश्किल होती है उनके लिए। तो इसलिए सरकार कह रही, पूछा था हमने तो लोगों ने यही बताया, वहाँ के लोगों ने भी इस वजह से कम कर रखा है, क्योंकि लोग एक एक घंटा पानी से बाहर नहीं निकलते हैं, फिर भीड़ और बढ़ती है। स्विमिंग करते हैं, तैरते हैं, इधर से उधर जाते हैं, तो इसलिए कम कर रखा था। तो फ्रेंड्स, ये देखिए नज़ारा, यहाँ की भीड़ देखिए, ये ऊपर के पुल है। अब हम जा रहे थे गौशाला की तरफ, इस साइड से गौशाला नज़दीक पड़ती है, क्योंकि शॉर्टकट है यहाँ से, इसलिए हम इधर से अपना जो कुछ करना था दान पुण्य हम करके अब गौशाला की तरफ जाएंगे। रस्ते में बहुत लोग मिलते हैं, बहुत खाने वाले भी इधर मिलते हैं, जो आपको लेना है आप लेके बांट सकते हो, क्योंकि यहाँ पे खाना ही तैयार मिलता है, चाय पानी जो चाहिए मिलता है। और ये हम पहुँच गए गौशाला में, और गऊओं को चारा डाला, मछलियों को हमने पहले आटा डाल दिया था, जो हमारी श्रद्धा थी हमने उसी मुताबिक दान पुण्य कर दिया था। ये देखिए, उसके बाद आगे शॉप पे लोग दूध पीते, गरम दूध, कढ़ाई वाला दूध कहते हैं, गर्मा गर्म जलेबियाँ, दूध, ऐसे दान करना चाहिए। ये यहाँ का बड़ा बाजार है, अभी सुबह का टाइम है, इतनी भीड़ इसलिए नहीं है, सुबह सुबह का टाइम है, लोग सब भी नहाने में मस्त हो रहे हैं वहाँ पे। तो कहते हैं जब आओ तो यहाँ से कुछ ना कुछ लेके जरूर जाना चाहिए। तो मैंने एक दो चीज़ें पसंद आई, तो ये मुझे एक गिलास था, ये देखिए पीतल का, पूछा मैंने डेट इसका। एक गिलास बहुत सुंदर लग रहे थे, लेकिन मेरे हस्बैंड कह रहे हैं सब कुछ वहाँ से मिल जाता है दिल्ली से, तो वहीं से लेंगे, इतना बाहर उठाने, छोटे मोटा कुछ ले लो जो आपको चाहिए। तो मैंने इस वजह से छोड़ दिया है, तो बहुत प्यारा सुंदर था। बाजार है, चूड़ियाँ रंग बिरंगी, हम कुछ खाने पीने के लिए जा रहे हैं। अब आज सब साल की सबसे बड़ी अमावस्या है, सोमवती अमावस्या जिसे बोलते हैं,
शिव बाबा जी बम बम भोले बम बम भोले हर हर महादेव। कावड़ पड़े हैं ऊपर लेके जाने के लिए, आज भी काफी लोग कावड़ लेके जा रहे हैं। भैया कैसी है ये भैया हुक्का कैसी है ये? 550 का फ्लेवर है ना, इसमें फ्लेवर आता है ना। फ्रेंड जगह जगह पे कावड़ है, अंदर भी बाहर भी है, सारी तैनात भी तो रखी हुई यहाँ पर जगह जगह पे पूरा बंदोबस्त है। मंदिर नो एंट्री। ये देखिए कावड़ लेके जा रहे हैं लोग आज भी। देखिए पूरा सामान है, जोत वो हवन के लिए नहीं होता है, नहीं बड़े वाला मुझको हवन के लिए चाहिए था। इससे बड़ा चाहिए, इससे बड़े वाला नहीं। लकड़ी का सामान है फ्रेंड्स यहाँ पे सारा, ये जो मुझे चाहिए था वो नहीं मिला। भैया ये वाला पूरा शिव परिवार कैसे है? 4.5 किस चीज में बना ये? फाइबर है भारी। फाइबर का बढ़िया साड़ी है, ये दोनों कलर हैं इसमें। फैमिली साड़ियां बहुत अच्छी लगी देखने में, बहुत सुंदर। कॉटन में भी है? अच्छा कॉटन है वो कह रहे हैं। हाँ जी कॉटन, पर कॉटन में जी नहीं, कॉटन तो नहीं है। सूट फैमिली में चल रही है, बहुत प्यारी प्यारी। शिव बाबा जी देखिए भगवान जी की मूर्तियाँ बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्तियाँ थी। ये हाथ फैलाए शिव भगवान जी खड़े थे, ये तो बहुत ही प्यारी लगी देखिए। ऐसे कह रही हैं आ जाओ भक्तों मेरे मेरे पास आ जाओ, मुझे ऐसी फीलिंग आई देख के। कहने रिंग देखी अपने लिए महाकाल महाकाल महाकाली हो रहे हैं, बम बम भोले महाकाल के नारे घूम रहे हैं बोल यहाँ पे। भैया कैसे हैं ये शंख? ये वाले 250 और ये आगे वाले छोटे वाले 120। ये गोमती चक्कर है ना, जो से आप लगा रहे हो ये वाले कैसे हैं? 350 के बचते हैं भैया, एक बजा के दिखाओगे?
सभी छोटे बड़े सभी बचते हैं, बचते नहीं है वो। अच्छा ये बचते नहीं है 120 वाले। अच्छा खंडित है ये वाले। संघ देखने के बाद हमको अब मार्केट नहीं इतना खुला नहीं था। उसके बाद फ्रेंड्स हम बैठे तांगे में, जो कि आज तक कभी नहीं बैठे थे हम लोग। शिवानी मेरी बेटी साथ थी तो वो कह रही मम्मी मुझको टांगे में बैठना है। उसने कभी नहीं बैठी और ना ही मैं कभी बैठी थी। तो हम टांगे पे बैठ के रेलवे स्टेशन तक गए, क्योंकि हम रात को ही चले थे। सुबह पहुंच के स्नान करके, ये है घोड़ा जिस पे हम बैठ के आए थे। मेरी बेटी के मम्मी फ्रेंड हम पहली बार घोड़ा गाड़ी में बैठे हैं, घोड़ा गाड़ी में बैठ के आए हैं। घोड़ा गाड़ी जिसे बोलते हैं, बहुत अच्छा लगा बैठ के। रेलवे स्टेशन पे भगवान महादेव की बहुत ही सुंदर, बहुत ही बड़ी प्रतिमा, जिसको देख के मन बहुत ही अच्छा लगा। एक दो प्रतिमाएं हैं रेलवे स्टेशन पे, एक का फेस बाहर की तरफ है, एक भगवान जी का फेस अंदर की तरफ है। ये देखिए पूरी समाधि में लीन है बम बम भोले। ये बहुत ही सुंदर वाइट कलर में थी। और ये दूसरी मूर्ति है पीछे से निकाले, इनका फेस है जो वो रेलवे स्टेशन की तरफ है, एक का हरिद्वार की तरफ, एक का रेलवे स्टेशन की तरफ। बम बम भोले हर हर महा।